अस्सलाम वालेकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको पीच आड़ू का जैम बनाना सिखाऊंगी। आड़ू का जैम कैसे बनता है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होता है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये आड़ू मैंने ले लिए हैं, 6 अदद मैंने आड़ू ले लिए हैं। 1 कप मैंने चीनी के लिए 6 अदद आड़ू हैं और 2 अदद लेमन है और 2 चुटकियाँ नमक की हैं। पहले हम सबसे पहले आड़ुओं को हम अच्छे तरीके से धो लिया हमने, और धो के हम इसका छिलका उतार लेंगे आड़ुओं का। 2 आड़ुओं का मैं क्यूब्स बनाऊंगी और 4 आड़ुओं को मैं इसका पल्प तैयार करूंगी। आने रही सबसे पहले मैं दो आड़ू में अलग से निकाल दें। ये 2 आड़ू जो थे उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए, बिल्कुल छोटे, और 4 आड़ू मैंने छिलका उतार के रख लिए। अब इसकी मैं प्यूरी बनाऊंगी। लेमन जूस डालेंगे, दो अदर लेमन मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। हमारी प्यूरी बन गई है। अब मैं इसको एक बॉल में निकालूंगी। प्यूरी हमने निकाल ली है, अब मैं इसको पकाऊंगी। मैं इसमें प्यूरी शामिल करूंगी। चीनी शामिल करूंगी, 2 चुटकियाँ नमक की रखी थी वो शामिल करूंगी। लेमन मैंने डाल दिए थे 2 आपके सामने। घर में जैम बना के दें बच्चों को। मैंने रखे थे कांटे में, इसको मैं जैम के अंदर शामिल करूंगी और अच्छे तरीके से हम इस जैम को पका लेंगे। और जो मैंने क्यूब्स डाले थे ये भी हल्के हल्के से इसके अंदर मैच हो रहे हैं, ये देखें इस तरह हो रहे हैं। तो जब ये हम ब्रेड पे लगाएंगे तो जैम के साथ ये जो लम्स आते हैं, जो इसके प्यूरी के लिए बनी हुई होती है, जो इसके पीसीज होते हैं कटे हुए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए जैम तैयार हो रहा है। अब हम एक प्लेट में डाल के देखेंगे। प्लेट में डाल के देखेंगे, ये देखिए अभी हमारा जैम गाढ़ा नहीं हुआ, ये जैसे ही ठीक होने शुरू हो जाएगा फिर हम इसको निकाल के ठंडा होने के बाद एक जार में रख लेंगे।
हम इसको हिलाते रहेंगे। बर्तन का ये नीचे से नज़र आने लग जाएगा हम हिलाएंगे तो, ये जब उस वक्त ये गाढ़ा हो चुका होगा और वही निशानी है कि हमारा जैम तैयार हो जाएगा। ये देखें ये ठीक होना शुरू हो गया है प्लेट के अंदर। मैं देखूँगी डाल के, ये देखें ये जो है अभी जैम बस 5 मिनट के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम इसको एक जार के अंदर हमारा ये देखिए पकने पक गया है। अब हम इसको ये हमारा जैम तैयार है, आड़ू का जैम तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। ये एक जार मैंने रखा हुआ है, ये जब ठंडा हो जाएगा जैम तो फिर मैं इस जार के अंदर डालूँगी। मेरी जैम की बनाई हुई रेसिपीज और इसके अलावा दूसरी रेसिपीज अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपीज आप लोगों को अच्छी लग रही हैं कि नहीं।